हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं फूड गुरु मागीता फिर से आ गई हूँ। मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। उसका लिए एक चम्मच घी लिया है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। इसमें काजू और बादाम को पहले फ्राई किया, ये थोड़ी देर ब्राउन हो जाएगा, फिर बाद में हम किशमिश डालेंगे। किशमिश डाल के थोड़ी देर भून लिया है, थोड़ा सा किशमिश फूल गया, फिर हमने इसको निकाल देंगे एक प्लेट में। अभी फिर से एक चम्मच घी डालेंगे, फिर गाजर को 6-7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। गाजर 6-7 मिनट फ्राई होने का बाद हम इसमें दूध डालेंगे। दूध को ऐड करके 2 मिनट तक कवर कर देंगे, जब तक दूध उबाल ना जाए। अभी कवर को निकाल देंगे और इसको खोला में ही पकाएंगे। धीरे धीरे इसको घुमाते रहेंगे। दस बारह मिनट तक ये पकेगा। फिर थोड़ा सा नमक, चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। तीन चम्मच क्रीम डालेंगे। क्रीम आपका पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये ऑप्शनल है। अच्छी तरह से मिलाएंगे। फिर कुटा हुआ इलायची डालेंगे खुशबू के लिए। इसको थोड़ा दूध सूखने तक पकाएंगे। धीरे धीरे करछी को हम चलाते रहेंगे। देखिए दूध थोड़ा सूख गया है, अच्छा से धीरे धीरे बन रहा है। गैस को लो फ्लेम करके इसी टाइम बनाइए। अभी इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर भी आने लग गया है। खोया डालेंगे, फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे। अभी हमारा बन गया है गाजर का हलवा है। अभी प्लेटिंग करेंगे। आप इसको ठंडा या गर्म अपना मन पसंद का हिसाब से खाइए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।